हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे दोस्तों चार टॉप और यहां पे एक एम्पलीफायर का सेटअप। बेसिकली ये काफ़ी दिनों से मेरा मन था कि यार ये कॉम्बिनेशन मैं बना के दूं, क्योंकि कई बार मैंने यहां पे देखा है जो स्टार्टअप करते हैं या जो स्टार्ट करते हैं डीजे सेटअप, उनके लिए डीजे बिल्कुल परफेक्ट होता है, चार टॉप या फिर एक एम्पलीफायर या दो एम्पलीफायर का। बेसिकली जो एम्पलीफायर है ना वो फोर चैनल है, तो ऐसा मुझे समझ रहे हैं कि हम अनस्टेबल पे चलें क्योंकि टॉप भी बहुत ज़्यादा हैवी है। स्पीकर मैं खोल के आपको दिखाऊंगा अंदर क्या क्या मटेरियल लगा है वो भी हम देखेंगे, साथ के साथ एम्पलीफायर की डिटेल आएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले टॉप की बात करना चाहूँगा। जो टॉप है, टॉप बेसिकली डबल 15 टॉप के साथ में आता है। यहाँ पे आप क्वालिटी देख लीजिए और बेसिकली जो टॉप है ये भाई, ये आप सभी को मालूम है यार, ये यहाँ पे काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते ही हैं। तो क्वालिटी के लिए मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ इनको। तो बेसिकली ये टॉप है, टॉप मैं पूरा आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये लो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो साइड हैंडल है वो उसकी क्वालिटी आप देख लो, यहाँ पे आपको इस प्रकार से मिल जाती है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट हैंडल है। जिसको मालूम नहीं है इस टॉप की क्वालिटी के बारे में, वो आप मेरे इंस्टाग्राम की वीडियो चेक कर सकते हो कि वहाँ पे हम कैबिनेट कौन सा दे रहे हैं। खैर मैं खोल के भी आपको एक बार दिखा दूंगा। बाकी टॉप का जो फिनिश होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का, आपको यहाँ पे टॉप का क्वालिटी देखने को मिल जाता है। फिलहाल मैं भी आपको ना इसका एक बार ही काम करता हूँ, एक बार कैबिनेट दिखाता हूँ, ग्रिल दिखाता हूँ और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बात करूँ कैबिनेट की, तो अभी ये अंदर से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं कैबिनेट की बात करूँगा। यहाँ पे जो प्लाई है दोस्तों, ये कैलिब्रेटेड प्लाई होती है, आपको अभी यहाँ से थोड़ा सा सही से दिख जाएगा। ये बेसिकली कैलिब्रेटेड प्लाई होती है और ये जो प्लाई है, ये प्लाई आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि ये प्लाई हम खुद कस्टम करवाते हैं, खुद यहाँ पे आप कह लीजिए कि फैक्ट्री से हम डायरेक्ट जाके भाई हर एक चीज़ पे क्वालिटी पे और क्या इसके अंदर कोड डालना है, कितना सफ़ेद है, कितना पॉपुलर, कितना यहाँ पे इम्पोर्टेड यहाँ पे फेस रखना है, यानी बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। टर्माइट प्रूफ होता है, यहाँ पे वाटर प्रूफ होता है और बॉइलिंग यानी बॉइलिंग अगर आप कुकर के अंदर डाल के भी इसको उबालेंगे तब भी ये अपनी जो प्लाई है वो नहीं छोड़ेगा, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। तो प्लाई बहुत ही हाई क्वालिटी की रखी गई है। और दूसरा, यहाँ पे जितना भी वर्क करा गया है वो सारा का सारा यहाँ पे देख लीजिए CNC वर्क करा गया है, कोई भी यहाँ पे काम हाथ से नहीं है। मतलब हाथ से है लाइक अभी आप जॉइंट्स देख लीजिए, जो स्क्रूज का काम है स्क्रू, क्योंकि जॉइंट्स पे अभी हम कील कम यूज़ कर रहे हैं। कम यूज़ करने का रीज़न ये है कील का कि 4 से 5 साल बाद जब कील के अंदर हल्का मॉइस्चर भी जाता है या फिर वो पुरानी हो जाती हैं तो वो अपनी जगह छोड़ देती हैं। स्क्रूज़ के साथ में ऐसा नहीं है, स्क्रूज़ अगर एक बार टाइट हो गया तो वो उतने पोर्शन को आपको तोड़ना पड़ेगा, फिर वो खुलेगा ही नहीं, तो ये उतना रीज़न होता है। बाकी फेविकॉल यहाँ पे MR यानी फेविकॉल कंपनी का MR आता है, ब्लू वाली बाल्टी जैसे हम ज़्यादा कहते हैं। सेंटेक्स पेंट आप देख लो, सेंटेक्स पेंट बेसिकली अभी ये फाइनल कोट नहीं है। रीज़न उसका यह है फाइनल कोट ना होने का, क्योंकि इस पर अभी रेगमा लग के एक कोट पेंट और होता है, उससे इसकी शाइनिंग, इसकी और ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाती है, जिससे ये स्क्रैच प्रूफ, फायर प्रूफ और सारे ही यहाँ पे जितने भी इस पर डस्ट वर्क जाए वो आप एक ब्रूस मारो साफ हो जाएगा, इस तरीका है। बाकी यहाँ पे आप क्वालिटी देख लो, 4 एयर पास आपको मिलते हैं, 1, 2, 3 4 एयर गैप आपको मिलते हैं। फ्लेयर का साइज़ यहाँ पे, फ्लेयर बेसिकली आपको मार्केट में ऐसा फ्लेयर नहीं मिलेगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि फ्लेयर भी हम इंपोर्टेड ही लगाते हैं। साइड में आप हैंडल देख लो, जो कि CNC कटिंग आपको हैंडल यहाँ पे मिल जाता है, इसका हैंडल वैंडल सब कुछ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बैक प्लेट में बेसिकली ये भी देख लो, बैक प्लेट भी यहाँ पे आपको CNC कटिंग ही मिलता है और अंदर जो एयर गैप भी है ना, इसके जो एयर गैप पाइप्स है वो भी आप देख लो, यहाँ से सामने से स्मूथनेस वाला काम करा जाता है यहाँ पे। और सारी एलेंकी यहाँ पे लगाई गई, ये देख लो, ये सारी स्पीकर HF फ्लेयर में सब में एलेंकी आपको देखने को मिलता है, ये सपोर्ट हो जाती है इसकी। और यहाँ पे अगर मैं प्लाई की बात करूँ ना, यहाँ पे आप प्लाई देख लो, तो ये प्लाई जो है वो आपको मार्केट में ऐसे बोलेंगे भाई ये बर्च है, बट ये जेन्युइन यहाँ पे कैलिब्रेटेड प्लाई होती है और बिल्कुल सफ़ेद इसका यहाँ पे फेस रहता है, लाइक अ बर्च टाइप का यहाँ पे आपको बिल्कुल फेस देखने को मिलेगा। और ये तो जाती कैबिनेट, अभी कैबिनेट के साथ में इसका जो हैंडल है ये कुछ इस प्रकार से पैक होके आता है, यहाँ पे ये हैंडल हो जाता है और हैंडल भी काफ़ी हैवी है भाई, और इसकी थिकनेस भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ये फ्लेयर हो जाता है, जो कि इस प्रकार की पैकिंग में आता है, यहाँ पे ये फ्लेयर हो जाता है इसका, ये ABS फ्लेयर है, ये टूटेगा नहीं। और मेन है भाई इसका ये इम्पोर्टेड ग्रिल, जो कि इस प्रकार की पैकिंग के साथ में आती है। ये लो, यहाँ पे ये क्वालिटी चेक कर लो, इस पर अभी आप मार्केट में ही मिलने वाली जो इम्पोर्टेड ग्रिल है ना उसमें कभी चेक करना आपको ये फॉर्म नहीं मिलेगी,
ये फॉर्म भी हम कस्टम करवाते हैं कि हम स्पेशल बोल के लगवाते हैं कि भाई यही फॉर्म दो हमें, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी प्लस इसमें जो थ्रो आपको आउटपुट सामने मिलेगा वो बाकी फॉर्म या बाकी कपड़े में वैसा नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखा है। गेज बिल्कुल यहाँ पे हमने ये प्रॉपर 16 गेज रखा है। टॉयलेट कटिंग इसे ग्रिल कहते हैं, यहाँ तक कि इसकी यहाँ ये मोल्डिंग पे जहाँ पे कटिंग है यहाँ पे भी आपको प्रॉपर पूरा पाउडर कोट मिलेगा, गोलाई के साथ मिलेगा। सामने अगर हाथ मारोगे तो कहीं पे भी आपको कोई ऐसा लगेगा नहीं कि यार मेरा हाथ रुक रहा है, या फिर ये लो भाई ये लो, मतलब वाकई में क्वालिटी पे हमने ध्यान दे रखा है। और ये हो जाता है इसका, बाकी 16 गेज की ग्रिल है, आप इसको इजीली नहीं मोड़ सकते हो इस तरीके से। और ये होती है इसकी टोटल कैबिनेट क्वालिटी। अभी मैं आपको स्पीकर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे स्पीकर जो है ये है GT 15 1200 ऑडियो स्टैंडर्ड का स्पीकर हो जाता है, डबल मैगनेट के स्पीकर के साथ में आता है। यहाँ पे कंपनी ने RMS पावर 1200 वाट जो है मैंशन करा है। और अगर मैं खोल के आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की इसकी पैकिंग होती है। थोड़ा सा वीडियो मेरे ख्याल से लेंथी हो गया है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि आपको डिटेलिंग में लेके जाऊं। तो यहाँ पे ये स्पीकर हो जाता है, और स्पीकर का क्वालिटी आप सभी को मालूम है, हमेशा मैं रिकमेंडेड यही करता हूँ जब भी कोई डीजे के लिए लेता है तो ये डबल मैंगो लेता हूँ, क्योंकि इसका जो बेस है वो बेस भाई वाक्य में मतलब ऐसा लगता है कि आपने एक्स्ट्रा बेस लगा रखा है। जब इस कैबिनेट के साथ में लगाता हूँ तो वाक्य में फील आता है सामने कि डबल 18 की बेस के साथ में चला रहे हैं। डबल मैगनेट हो जाता है, 4 इंची कॉयल है, इन आउट है, कॉयल हैवी रखी गई है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो जाता है स्पीकर, इसका ही मैचिंग का रीज़न ये है सेम कंपनी का HF देने का, क्योंकि टेस्ट भाई दोनों का सेम ही आता है जब सेम कंपनी है। तो यहाँ पे ये सेम HF आपको मिल जाता है। ये है GT 850 मॉडल में आपको दे रहा हूँ, उसके अंदर ये देख लो, ये हो जाता है HF, और क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है। तो ये है भाई HF स्पीकर, बाकी कैबिनेट यहाँ पे है। चलिए बाकी डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। कोई यहाँ पे इसकी क्वालिटी समझ आई होगी कि हाँ भाई हम इसके अंदर मटेरियल या फिर कैबिनेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। बाकी आपको बता दिया मैंने वोल्टेजेस 2400 आप कह सकते हैं, इसके साथ HF अगर हम मिक्स करेंगे तो 1, 2, 3, 4 टॉप हो जाते हैं। 10,000 वाट का आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपको 4 टॉप जो है वो मिल जाते हैं। अब इसके लिए जो है भाई तगड़ा तो एम्पलीफायर चाहिए, मिक्सर भी अच्छा चाहिए, वायर्स भी अच्छी चाहिए। तो चलिए मैं एक बार आपको एम्पलीफायर वायर मिक्सर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करूँ एम्पलीफायर की, तो ये है दोस्तों ऑडियो स्टैंडर्ड का AS4 14000 करके एम्पलीफायर है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्पलीफायर है। इसका डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। फिलहाल में अगर मैं बात करूँ भाई ये 4 चैनल एम्पलीफायर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पलीफायर है। लोग इस पे भाई डबल 18 की बेस तक चला रहे हैं यहाँ पे, जो कि मेरे को सुनने में आया 1200 वाट की। तो वही सेम देखते हुए मैंने यहाँ पे इस एम्पलीफायर को रखा है। हीट नहीं करता है, काफ़ी स्टेबल एम्पलीफायर है। डबल यहाँ पे आपको पावर सप्लाई मिल जाता है। डबल से मेरा मतलब कि अगर एक पावर सप्लाई ख़राब होता तो 2 चैनल आपके लेकिन चलेंगे, बंद नहीं होगा पूरा एम्पलीफायर। कंपनी ने ध्यान रखेंगे सेपरेट यहाँ पे 2 चैनल्स के अलग अलग पावर सप्लाई बनाई है। तो एक चैनल पर एक टॉप चल रहा है जो कि लोड है हमारा, ये 4 ओम्स का ही इस पर बनेगा। और ये सारी डिटेल्स हैं, ऑडियो स्टैंडर्ड है, स्पाइडर यहाँ पे बना रखा है। पीछे का अगर मैं लुक का अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पे अभी आप देख लो ये हो जाती है इसके पीछे की लुक। और बेसिकली इसमें 4 स्पीकर प्लस टर्मिनल प्लस यहाँ पे 4 आउट इन यानी 4 आउट और इनके आपको XLR सॉकेट्स मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो सेटिंग्स हैं बेसिकली 2 चैनल के लिए सेपरेट सेटिंग दी गई है, 2 चैनल के लिए अलग से और सेपरेट सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। ये इसका भाई पूरा वायर हो जाता है, यहाँ पे देख लो। और इसके अंदर ना सारे हम वायर इंक्लूड दे रहे हैं, यानी स्पीकर लगा लोगों की, ये भी अच्छी क्वालिटी के हम स्पीकर यहाँ पे आपको दे रहे हैं, जिसमें डस्ट वस्ट यहाँ पे नहीं जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखा है। काफ़ी ये मेटल के अंदर स्पीकर है, तो क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं रखें। बाकी अगर मैं वायर की बात करूँ तो यहाँ पे जो वायर है ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हो जाती है भाई BSM की वायर, BSM की हम XLR वायर दे रहे हैं, जो कि क्वालिटी आप अभी आप यहाँ पे चेक कर लो, ये BSM की XLR वायर हो जाती है, काफ़ी बेहतरीन भाई वायर हो जाती है ये। और हर एक चीज़ पे क्वालिटी पे ध्यान रखा, तो इस तरीके की वायर आपको मिलती है। मिक्सर की बात करूँ, मिक्सर में हमेशा से मैं कहता हूँ कि आपको चॉइस दे देता हूँ मैं कि आपको कौन सा मिक्सर चाहिए। वही रीज़न है कि इस मिक्सर में मैंने यहाँ पे कस्टमर को चॉइस दिया था कि आपको कौन सा मिक्सर चाहिए, या फिर छोटा डीजे साहब का बेहिंगर है हमारे पास, डायनामाइट भी रखा है हमारे पास, बतेरे यहाँ पे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। तो कंपनी यानी जो कस्टमर है उन्होंने यहाँ पे डायनाटेक का ये DDJ3 जो है वो सिलेक्ट करा, और इसके सारे कनेक्शंस वायर भी आपको इसके अंदर इंक्लूड मिल जाएगी। और बात करें इसकी टेस्टिंग के लिए, तो चलिए मैं 4 टॉप की आपको एक बार टेस्टिंग दिखा देता हूँ कैसी रहने वाली है।
दोस्तों कैसे लगे टेस्ट में, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करूँ अगेन दोबारा क्या क्या इस सेटअप के अंदर मिल रहा है, जैसे कि आपने क्वालिटी भाई देख ही चुके हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें जो लगी हुई हैं। बेसिकली आपको चार टॉप मिलाते हैं, 1, 2, 3, 4। और टॉप के अंदर जैसे कि अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस भी हैं, हमारे पास फ्लैट केस भी है, हमारे पास कवर्स भी हैं इसके, तो आप जो है वो इंक्लूड करा सकते हैं अगर आप दूर दराज इलाके से आ रहे हैं, या फिर आपको फ्लैट केस चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी वन स्टॉप पर। तो ये चार टॉप हो जाते हैं। और एम्पलीफायर की बात करूँ तो यहाँ पर आप ये एम्पलीफायर देख लो, ये ऑडियो स्टैंडर्ड का AS414000 आपको एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है, जिसकी डिटेल क्या एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जितने भी वायर्स हैं ये सारी हाई क्वालिटी BSM कंपनी के वायर मिल जाती है। प्रोटेक की यहाँ पे आपको स्पीकर की वायर्स जो है वो मिल जाती हैं, ये भी हमने यहाँ पे ब्रांडेड रखा है, ये देख लो प्रोटेक कंपनी का यहाँ पे हमने वायर के अंदर रखा है। और कनेक्टर सारे SR के मिल जाते हैं, डायनाटेक का DDJ3 DJ मिक्सर मिल जाता है। और प्राइजेस बाकी डिटेल्स के लिए आप जो है मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे देख लो, ये बेसिकली व्हाट्सएप नंबर है। कई बार कॉल नहीं लगता, आप जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो भाई फोन तो स्विच ऑफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, आप लोग यही सोचते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप करा करो। कोशिश यही रहता है कि हमेशा मैं आपका रिप्लाई करूं, और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो उसके लिए सॉरी जिसको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। प्राइस आपको एक आइडिया दे दूंगा, चलो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो, ये टॉप पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।